नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान के अलवर में हुए एक बच्ची से, मूकबधिर बच्ची से एक दुष्कर्म के मामले का जो पूरा मामला जो चल रहा है इस समय राजस्थान में, काफी बड़ा तहलका मचा हुआ है और खास तौर पर सियासत में काफी बवंडर मचा हुआ है। दरअसल इसी मसले पर कल कांग्रेस की बड़ी लीडर महासचिव प्रियंका गांधी से मिलने के लिए, उनसे मुलाकात के लिए, उन्हें ज्ञापन देने के लिए सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा रणथंभौर पहुंच गए थे और इन्हीं के साथ में काफ़ी लोग वहां पर थे और वो मुलाकात करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनकी मुलाकात नहीं होने दी और किरोड़ी और उनके समर्थकों को उन्होंने पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब पूरे मसले पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं और आपको बताते हैं कि अब कल रणथंभौर के बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज अलवर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो जिला प्रशासन से ज्ञापन देंगे, मुलाकात करेंगे और बच्ची को इंसाफ दिलाने की मांग करेंगे। अब दरअसल इसे सियासत का एक तिकड़म माना जाए, सियासत का छोंका माना जाए या वाकई एक पीड़ित परिवार को इंसाफ की मांग माना जाए, बहरहाल ये आने वाले वक्त में पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पक्ष और विपक्ष का झगड़ा भी शुरुआत हो चुकी है। आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने द फैक्ट इंडिया से हुई बातचीत में क्या कहा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, कल जो पूरा जो मसला हुआ, आप प्रियंका गांधी जी को अलवर वाले गैंगरेप मामले में ज्ञापन देने गए थे लेकिन वहां आपको हिरासत में लिया गया, तो क्या ये माना जाए कि राजस्थान में अब वाकई कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, गड़बड़ हो चुकी है? नहीं, वो तो खराब है ही, पर हम उस महिला नेत्री से मिलने गए थे जो गांधी परिवार की बेटी है उत्तर प्रदेश में, जो ये कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जी, तो कुछ एक हमको तो बाहर रोक दिया था 1 किलोमीटर पहले जी, पर एक दर्जन युवतियां सवाई माधोपुर के वहां जाने में सफल हो गई थी जी, और सारे प्रयास करने के बाद भी जिले के एसपी ने ये कहा उनको कि उन्होंने मिलने के लिए मना कर दिया, तो कितनी संवेदनशीलता है नीचे से लेके ऊपर तक, गहलोत से लेके 10 जन, मतलब वो एक राजनीतिक टूल बनाते हैं, उत्तर प्रदेश में होगा तो भागे भागे जाएंगे, अत्याचार में नंबर एक पर है जी, महिला पर अत्याचार हो, दलितों पर अत्याचार हो, एक दलित युवती के साथ गैंग रेप हुआ वो भी बड़ा रोंगटे खड़े करने वाला, दंड की भरा हुआ, बिल्कुल उसकी सुनवाई तक हमारी नहीं की गई, तो ये बड़ी दुखद घटना है। आज अलवर है, अलवर हम ज्ञापन देंगे, बात करेंगे जी, और आवश्यकता पड़ी तो कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से चर्चा करके। तो सर आज अलवर में आपका किससे मुलाकात करने का है? हमने तो जिला प्रशासन के थ्रू सीएम को ज्ञापन भेजवाएंगे। अच्छा, और एक 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 देखिए, एक डोटासरा साहब का एक बयान सामने आया है कि अगर बीजेपी का केंद्र का कोई भी नेता आता है तो हम उसका ऐसा घेराव करेंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे, इस तरीके का बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? तो भड़का रहे हैं, देखो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध करने का हर एक को हक है, अधिकार है, लेकिन पीसीसी के चीफ होने के बाद उनको ऐसी जिम्मेदार पद पर रहने के बाद ऐसी भड़काऊ बातें नहीं करनी चाहिए जी। फेडरल सिस्टम है देश में और डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, कोई आता है तो अपने लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार वो विरोध करे, और कोई कानून को हाथ में लेता है तो कार्रवाई करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये क्या सबक सिखाएंगे, जनता ही उनको सबक सिखा देगी आगे। लेकिन कल आपको अधिकार नहीं मिल पाया क्योंकि आप खुद मिलने गए थे। आप प्रियंका जी से मिलने गए थे लेकिन आपको प्रशासन ने वहां पर उनसे मिलने भी नहीं दिया। अब वो मिलना ही नहीं चाहती थी, तो हम हिंसा में भरोसा नहीं करते जी, हिंसा फैलाकर मिलना वो सही ठीक नहीं था जी, पुलिस आमादा थी लाठीचार्ज करने पे, हिंसा फैलाने पर जी, तो हम सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने के पक्ष में नहीं। तो सर अभी जो पीड़ित परिवार है, बच्ची का जो परिवार है, आप उससे भी मुलाकात करेंगे?
बिल्कुल करेंगे। चलिए धन्यवाद साहब, डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप। धन्यवाद सर।